नमस्कार, एक बार फिर से लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्राची गुप्ता संगीत की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। संगीत एक कला है और एक विज्ञान। विज्ञान इसलिए क्योंकि संगीत साउंड यानी ध्वनि से बना है और ध्वनि साइंस की भौतिकी शाखा यानी फिजिक्स का एक अंग है, इसीलिए ये एक विज्ञान है। कला इसलिए क्योंकि संगीत विभिन्न संस्कृतियों को विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्त करता है। आज हम संगीत के सबसे आधारभूत तत्व नाद यानी ध्वनि के बारे में बात करेंगे। हम जो कुछ सुनते हैं, हमारे आसपास जो भी आवाज़ें हो रही हैं, वो सब नाद कहलाती हैं। भारतीय संगीत में दो तरह का नाद पाया जाता है, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद का अर्थ है ऐसा नाद जो किसी प्रयास के द्वारा उत्पन्न हुआ हो। हथेलियों के आपस में इस तरह टकराने पर एक आवाज़ उत्पन्न हुई, इसे ही हम आहत नाद कहते हैं। इसी तरह से बादलों के आपस में टकराने से बादलों की गड़गड़ाहट होती है। हमारे द्वारा अंदर से वायु और ऊर्जा एक साथ बाहर निकालने से आवाज़ बाहर आती है, तो ये भी आहत नाद का उदाहरण है। किसी भी वाद्य के बजने से या लोगों के चिल्लाने से या बाहर ट्रैफिक का शोर, ये भी आहत नाद के उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार का नाद है अनाहत नाद या अनस्ट्रक साउंड। अनाहत नाद को मुक्तिदाता नाद माना गया है क्योंकि जब हम किसी शांत जगह पर गहरे ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो एक सनसनाहट की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। इस आवाज़ को सुनने में हमने कोई प्रयास नहीं किया है, फिर भी ये आवाज़ हमें सुनाई पड़ रही है, इसीलिए इसे अनाहत नाद कहते हैं और इसे मुक्तिदाता माना गया है। आहत नाद का संगीत में बहुत ज़्यादा योगदान है। आहत नाद को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, संगीत के लिए उपयोगी नाद, ऐसी आवाज़ जो किसी प्रयास के द्वारा निकले, जो मधुर हो, स्थिर हो, नियमित हो और जिसे संगीत में उपयोग किया जा सके, उसे संगीत के लिए उपयोगी नाद कहते हैं। जैसे हमारे गाने की आवाज़, किसी भी वाद्य जैसे सितार, बांसुरी, संतूर आदि की आवाज़ जिसे हम संगीत में उपयोग कर सकते हैं, वो संगीत के लिए उपयोगी नाद कहलाती है। दूसरा प्रकार है संगीत के लिए अनुपयोगी नाद, ऐसी आवाज़ जो किसी प्रयास के द्वारा निकली तो है लेकिन हम उसका उपयोग संगीत में नहीं कर सकते, जैसे बाहर का शोर, बच्चों का चिल्लाना, बादलों की गड़गड़ाहट और ट्रैफिक का शोर, ये भी संगीत के लिए अनुपयोगी नाद का उदाहरण है। नाद की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। मुख्य रूप से ये तीन होती हैं: नाद का छोटा या बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन और नाद की जाति अथवा गुण। सबसे पहले नाद के छोटे बड़ेपन के बारे में बात करेंगे। इसे एम्पलीट्यूड या लाउडनेस ऑफ साउंड भी कहते हैं। इसे डेसिबल में नापा जाता है। नाद जब धीमे से बोला जाता है तो पास में बैठा व्यक्ति सुन सकता है, लेकिन यदि हम जोर से चिल्लाकर बात करते हैं तो उसे दूर बैठा व्यक्ति भी सुन सकता है। हम अंतर साफ देख सकते हैं कि कौन सा नाद छोटा है और कौन सा नाद बड़ा। अब नाद का ऊंचा या नीचापन, यानी पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है आंदोलन संख्या, यानी एक सेकंड में किसी स्वर का कंपन जितनी बार होता है उसे उस स्वर की आंदोलन संख्या कहते हैं। ये आंदोलन संख्या जितनी कम होती है नाद या ध्वनि उतनी ही नीची होती है। ये आंदोलन संख्या जितनी ज़्यादा होती है नाद का उतना ही ऊंचापन हमें ज़्यादा सुनाई पड़ता है। उसके बाद तीसरा विशेषता है नाद की जाति या गुण, इसे टिम्बर या टोन भी कहते हैं। हर नाद की अपनी एक विशेष अवस्था होती है जिसके द्वारा हम उसे दूसरे नाद से अलग यानी पृथक पहचान सकते हैं। अगर कहीं पर सितार बज रहा है या बांसुरी बज रही है या संतूर, तो हम बिना उन्हें देखे ये जान सकते हैं कि ये आवाज़ बांसुरी की है, ये सितार की और ये आवाज़ संतूर की है। ऐसे ही हम दो लोगों का अलग अलग गाना भी पहचान सकते हैं कि कौन गा रहा है।
ये इसलिए क्योंकि उनकी आवाज़ में एक अलग तरह की विशेषता है जिसके आधार पर हम उन्हें अलग पहचान सकते हैं। ध्वनि की ऐसी विशेषता जिसके कारण हम उसे दूसरी ध्वनि से अलग पहचान सके, उस ध्वनि की जाति या गुण कहलाती है। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से नाद की तीन विशेषताएं होती हैं। तो आज हमने नाद के बारे में आधारभूत जानकारी हासिल की। आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।